जय हिंद दोस्तों। राजीव गांधी किसान न्याय योजना का चौथा किस्त कब मिलेगा, इस पर भूपेश बघेल जी द्वारा यह अपडेट दिया गया है। हमने इस पर पहले ही वीडियो बना दिया है कि इसी माह में मिलेगा बोनस का चौथा किस्त, लेकिन इसका लेटेस्ट अपडेट क्या है आप इस पेपर कटिंग में देख सकते हैं। 1000 करोड़ कर्ज लेगी सरकार और गोधन न्याय योजना का भी भुगतान करेगी। यह बताया गया है कि किसान न्याय योजना का अंतिम किस्त का भुगतान इसी महीने किया जाएगा। इसके लिए सरकार 1000 करोड़ का कर्ज ले रही है। तो ये लेटेस्ट अपडेट है और इसी माह अर्थात मार्च महीने में ही किसानों को धान का जो बोनस है पिछले वर्ष का, उसका चौथा किस्त जो बचा हुआ था उसका भुगतान कर दिए जाएंगे। इस माह का अब केवल 15 दिन शेष रह चुका है। आज 17 तारीख है और 31 मार्च से पहले, जी हाँ दोस्तों, 31 मार्च से पहले भुगतान किए जाएंगे। लेकिन भूपेश बघेल को इतना लेट नहीं करना चाहिए था, एग्जैक्ट डेट दे देना चाहिए था, या जो इस वर्ष धान खरीदी हुई है उससे पहले पूरा का पूरा किस्त दे देना चाहिए था। लेकिन भूपेश बघेल जी इस पर सक्षम नहीं हो सके और अपना काम अच्छा से नहीं कर पाए। लेकिन अब इस पर यही अपडेट है, 1000 करोड़ का कर्ज लेकर किसानों को न्याय योजना की अंतिम किस्त की भुगतान इसी महीने किए जाएंगे। यही अपडेट इस पर सामने आई है। आरबीआई से ये कर्ज लिए जा रहे हैं और किसानों को भुगतान किए जाएंगे ऐसे कहा जा रहा है। लेकिन हम अब ध्यान देंगे तो चौथा किस्त राजीव गांधी किसान न्याय योजना का इसी महीने अपडेट किए जाएंगे। ये जो अपडेट है ये अब तक का लेटेस्ट अपडेट है दोस्तों। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, इन्होंने कई जगह पर कार्यक्रम किए तो उसमें भी यही अपडेट दिए हैं कि किसानों को जो धान का बोनस है जो कि न्याय योजना के तहत प्रति एकड़ 10,000 दिए जाते हैं, उसका चौथा किस्त बचा हुआ है। तो चौथा किस्त का भुगतान इसी महीने किए जाएंगे। इसके लिए इस तरह से ये अपडेट सामने आया है कि 1000 करोड़ का कर्ज लिए जा रहे हैं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। मिलते हैं अगले वीडियो पर। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करेंगे।